तो गाइस इस वीडियो को बनाते बनाते हम पहुंचे हैं उस लोकेशन पर जहां पर रामायण में आप लोगों ने एक बहुत ही अहम पार्ट देखा होगा, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मृतता सुग्रीव से कराते हैं हनुमान जी। तब सुग्रीव जी जो है किष्किंधा पर्वत पे रहते हैं, क्योंकि उनके बाली ने उनको भगा दिया होता है अपने साम्राज्य से और वो किष्किंधा पर्वत पे निवास करते हैं। तो जब अपनी मित्रता हो जाती है भगवान श्री राम की और सुग्रीव की, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हम आपको जो है आप हमारी पत्नी सीता को ढूंढने में मदद करिए और हम आपका जो आपका राज्य है वो लौटा देंगे, आपको मतलब बाली से छुड़वा देंगे। बाली को जो है मारने का प्लान पूरा बनाया था। तो फिर ऐसा कई बार होता है कि पहले तो बाली को मार दिया जाता है, तो वो जो मारने वाला सीन है जब सुग्रीव को और बाली को लड़ाया जाता है रामायण के अंदर, वो सीन पे आज हम पहुँचे हैं। और रामायण में आप लोगों ने देखा होगा सुग्रीव को और बाली को हम शकल दिखाया गया है, एक ही शकल का दिखाया गया है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मारते तो श्री राम जी हैं, श्री राम जी मारते हैं बाली को बाण से, ठीक है। तो वो वाला सीन कहाँ से है, किन खजूर के पेड़ों के पीछे से, खजूर के कहें, नारियल के कहें या ताड़ के कहें, पेड़ों के पीछे से छिप के मारते हैं ना बाण, तो वो कहाँ से मारते थे वो मैं आपको लोकेशन आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी यूनिक लोकेशन है। तो हम आ गए हैं धीरे चलते थे इन जंगलों से वहीं पे, तो हम बैक कैमरे को ऑन करते हैं और वो लोकेशन पे जल्दी से आपको विजिट कराते हैं जो लोकेशन पे भगवान श्री राम ने छुप के से बाली को ललकारवाया, कहा कि तुम जाओ ललकारो जाके। दूसरी बार कहा कि ललका, पहली बार तो हार गए थे तो भाग आए भैया सुग्रीव, दूसरी बार कहा फिर चलो, तो पहली बार तो चुक गए, दूसरी बार नहीं चुके, फिर ललकारा जाके सुग्रीव ने बाली को। तो फिर जब बाली को ललकारा तब बाली की लड़ाई सुग्रीव की यहीं पे हुई, और यहाँ पे काफ़ी मैदान पड़ा, मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लड़ाई उनकी हुई और कहाँ पे उन्होंने छुप के से मारा था पेड़ के पीछे से, तो वो पेड़ भी आप लोग मैच कर पाओगे। तो गाइस पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी सारा उसका जो सेट दिखाया जहाँ पे रामायण का जो महल बनाया गया था वो मैंने सेट दिखाया था उससे पहले। अभी हम चल रहे हैं वृंदावन स्टूडियो के और काफ़ी अंदर, वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, मैंने पहले ही बताया था कि एक सीरीज जैसी आएगी करीब, इससे रिलेटेड 8 से 9 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो वृंदावन गार्डन है काफ़ी बड़ा है, वृंदावन स्टूडियो जो है, तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए हैं जो रामायण से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सेट से रिलेटेड जंगल में चीज़ें पड़ी हुई हैं, सेट तो अंदर चल रहा है, शूटिंग भी कई जगह हो रही है, पर उसके बावजूद यहाँ पर जंगल उंगल वाले सीन तो काफ़ी फिल्माए गए हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सीन दिखाएंगे वो आप लोगों को अभी आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को दिखा दें यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथी, एरावत है क्या भैया, ये एरावत हाथी ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि अभी घायल अवस्था में है। ऐसे हाथी बहुत सारे यहाँ पे देखने को हमको मिले हैं। एक वो उधर दिख रहा है ना बड़ा सा, ये भी हाथी है जो टूट गया है, इसके अंदर देखो कितना मलबा पड़ा हुआ है रामायण के ही टाइम का, क्योंकि उसके बाद रामायण कृष्णा और महाभारत के बाद ऐसा कोई यहाँ पर बड़ा मतलब सेट नहीं लगा है, छोटे मोटे सेट लगा के यहाँ पे शूटिंग चलती रहती, लेकिन उस समय का जो रामानंद सागर जी ने बनाई चीज़ें उनके बाद ऐसा कोई बड़ा नहीं बना हुआ सेट यहाँ पे। और देखो ये जो जगह जगह चीज़ें पड़ी हुई हैं ये रामायण के ही समय की पड़ी हुई हैं। एक अगर यहाँ घूमेंगे तो जंगल है पूरा, ये भी देखो कुछ डिज़ाइन जो है वो बनाई गई है प्लाई की, वो भी इसी तरीके से पड़ी हुई है। और हम चलते हैं एक नई लोकेशन पर, लोकेशन में साथ साथ बताते हैं आप लोगों को चलूँगा ये जो जंगल हैं जिन जंगलों के अंदर काफ़ी सीन फिल्माए गए हैं रामायण के अंदर के, जो कि वनवास दिया जाता उस टाइम के काफ़ी सीन हैं इसी जंगल के, जो कि वृंदावन स्टूडियो के अंदर ही आता है। और अभी हम ये जो हाथी पहाड़ से दिखाए हैं इसको अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाएंगे तो ये मलबे के रूप में परिवर्तित हो गया है, ये देखो है ना, तो जबकि सबकी सब आर्टिफिशियल बना हुआ है। ये जंगल जो है आप लोग देखोगे तो लगेगा कि राम सीता और लक्ष्मण इसी में भटकते नज़र आए थे। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये जंगल है जहाँ पे अभी बहुत बड़ी बड़ी घास है और रामायण से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मलबा पड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा आप लोग पार्ट देख रहे हो ये है वृंदावन स्टूडियो का जो कि है उमरगाँव में, और आप लोग गूगल पर भी सर्च करोगे कि तो रामायण की पूरी शूटिंग कहाँ हुई है और पुरानी वाली रामायण की शूटिंग, तो वो यहीं पे दिखाएगा आप लोगों को। और हम पहुँचे हैं ये पूरी सीरीज लेके आप लोगों के साथ में अपने यूट्यूब चैनल अनुज क्रॉप्स के साथ में, है ना। तो यहाँ से अभी हम लोग आए हैं, ये जंगल जैसा एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये है पूरा वृंदावन स्टूडियो। और इससे पहले हमारा वीडियो आ चुका है, वो मैंने सेट दिखाया था जहाँ पर बनाया गया था महल जो कि भगवान श्री राम का दिखाया जाता है ना,
वो वाला दिखाया था हमने, अयोध्या वाला कहाँ पे बनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी ओपन लोकेशन पड़ी हुई है, काफ़ी खुली जगह पड़ी हुई है। ऐसी एक जगह पर उनको लड़ाया जाता है। और ये जो आप लोग यहाँ पे पेड़ देखोगे, नो डाउट ये नारियल के सारे पेड़ हैं। कुछ ऐसे ही एक बाग दिखाई जाती है जिन पेड़ों के पीछे राम और लक्ष्मण छिपे होते हैं बाली को बाण मारने के लिए, बाली को मारने के लिए। क्योंकि बाली को एक ऐसा वरदान था कि जो भी उसको सामने से ललकारेगा मारने के लिए, उसका आधा बल जो है वो बाली के पास आ जाएगा। तो इस वजह से बाली से रावण तक भी नहीं जीत पाया था, जो कितना अहंकारी और बलशाली था, वो भी रावण भी इससे नहीं जीत पाया था। कारण यही था कि जो भी उसको सामने से ललकारता था उसका आधा जो बल था वो बाली को आ जाता था। तो फिर उस सामने वाले का जो बल है वो कम पड़ जाता था, बाली के पास दोगुना हो जाता था, तो वो नहीं जीत पाता था। इसीलिए भगवान श्री राम को बाली को छुप के मारना पड़ा, सामने नहीं आना पड़ा। वरना सामने आते तो शायद भगवान श्री राम कुछ कह नहीं सकते, ऐसा तो हुआ नहीं, उनकी खुद की लीला वो थी, तो उन्हीं के अनुसार उनको उसे मारना था। तो ये देखो ये पूरा बगीचा आप लोगों को दिख रहा है, ये वही बगीचा है नारियल के पेड़ का, जिसमें छिप के एक पेड़ के पीछे छिप के, वो पेड़ तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आज 36 साल हो गए हैं रामायण को आए हुए, वो पेड़ तो हम नहीं बता सकते, पर इसी के पीछे छिप के एक पेड़ के पीछे से भगवान श्री राम बाली को मारते हैं, जो कि आप लोग पीछे हमारे देख पा रहे हो। इधर बहुत ही खाली लोकेशन, यानी बहुत ही ओपन लोकेशन पड़ी हुई है, ये देख सकते हो। इधर ही लड़वाते हैं बाली को और सुग्रीव को, और इस बाग से, नारियल के बगीचे से कहें, नारियल के जंगल से कहें, यहीं से छिप के मारते हैं श्री राम जी बाली को। आगे हम चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हैं आम के पेड़, और हमें लग रहा है विकास भाई ने दो चार तोड़ भी लिए हैं। देखो आम का सीजन चल रहा है और हम पहुँचे हैं वृंदावन गार्डन, वृंदावन स्टूडियो उमरगाँव गुजरात में। तो बहुत ही मेहनत से दोस्तों आए हैं, आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, पूरी की पूरी सीरीज रामायण की हम लेके आ रहे हैं और ऐसी लोकेशन से आप लोगों को विजिट करा रहे हैं। ये वो सामने वाला बाग रहा नारियल का, जिसमें खड़े होकर छिप के भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा था और बाली का संहार किया था। ये वही वाला बगीचा है, देख सकते हो आप लोग, तो कुछ इस तरीके से है। और उधर है विकास भाई, इधर बहुत सारे आम के पेड़ हैं, चलो पास से दिखाते हैं। इधर हम अभी दूसरी साइड आ गए, इधर भी पूरे के पूरे बगीचे हैं नारियल के। आप लोगों को पता है समुद्र का किनारा है, तो नारियल के बगीचे यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही नॉर्मली मिल जाएंगे। और आम के तो बड़े बड़े पेड़ भैया हैं ही, और इनमें बड़े बड़े आम भी लगे हुए हैं, जिनमें से एक दो तो भैया हमारे विकास भाई को प्राप्त हुए हैं, और जिसमें से हमें भी बहुत पसंद है, क्योंकि हम गाँव में खाते थे, जब से यहाँ आ गए हैं आम चखने को ना मिले हमें, और उन्होंने शुरू भी कर दिया। देखो विकास ने पास में तो लगे दिखे, दिख गए हमको भी लगे। और ये पूरी लोकेशन आप लोग देख सकते हो, कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना। तो गाइस जैसा कि फाइनली आप लोगों को पता है, हम पहुंचे हैं वृंदावन स्टूडियो उमरगांव गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रामायण जो है पूरी की पूरी रामायण धारावाहिक शूट हुई थी, जो कि रामानंद सागर जी ने बनाई थी, और ये 80s 90s के दशक में बनी थी, 80s के दशक में बनी थी और 90s के दशक में ये हाँ 90s के दशक में इसको जो है टीवी पे प्रसारित किया गया था। और बता दें हाल ही में अभी लॉकडाउन जब लगा था 2020 में, तब भी इस गवर्नमेंट ने इसको दूरदर्शन पे फिर से दिखाना शुरू किया था रामायण को, महाभारत को, श्री कृष्णा को। तो फिर से हम लोगों ने उसी तरीके से घर पे बैठ के आराम से देखा उसको, और अच्छे से हम लोग का टाइम पास हुआ, और फिर से एक बार पूरा रामायण देखने का हमें मौका मिला। वैसे तो आप लोग यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसी का एक सीन यहाँ पे लिया गया था, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे लोकेशन देख सकते हो, फ्री लोकेशन पड़ी हुई है, और पीछे एक बगीचा दिख रहा होगा नारियल का। यह बगीचा मैं बता दूँ उस टाइप का है, जब भगवान श्री राम छुपके से ऐसे नारियल के पेड़ों के पीछे से छुपके से मारते हैं बाली को, बाली का वध करते हैं, जिसका कारण ये होता है कि सुग्रीव से कहते हैं कि तुम जाके पहले ललकारो उसको, और बाद में मैं छुपके से मारूंगा। तो ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान था कि बाली को जो भी सामने से ललकारेगा युद्ध के लिए, बाली उसका आधा बल जो है बाली में आ जाएगा। तो इसीलिए श्री राम भगवान को उनको छुपके मारना पड़ा, और वो एक महायोद्धा थे जो कि
रावण भी उनको पराजित नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आज हम इस लोकेशन को बैक कैमरे से विजिट कराते हैं आप लोगों को, और आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। और ये सीरीज रामायण की हमारी चलने वाली है करीब 7-8 वीडियो की, जिसमें हम बहुत सारी रामायण की लोकेशन इस वीडियो में, इस सीरीज में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे और इस चैनल पे अंत तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।